स्वयं हम कल मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, उनके गेट से हम लोगों को इनविटेशन नहीं लिया गया, हम लोगों को वहां से इनविटेशन को स्वीकार नहीं किया गया, हम लोगों को इनविटेशन के साथ लौटा दिया गया। सिक्योरिटी बॉय बोले कि हम लोगों को ऊपर से मना किया गया है कि ये कार्ड नहीं लेना है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी मना रहे हैं और आज उनके निधन को एक साल हो चुके थे, उसी के क्रम में वो बरसी मना रहे हैं। और अभी मेरी मौजूदगी उनके आवास इसके पूरी आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम अंदर की तस्वीरें देखेंगे किस तरीके की तैयारियाँ हैं, क्योंकि आज 12 तारीख है, लोग आ रहे हैं, तमाम नेता विधायक पहुँचेंगे। और आपको बता दूँ कि सभी को इस श्रद्धांजलि सभा में, इस बरसी में निमंत्रण है, क्योंकि आपको बता दूं बीते दिन चिराग पासवान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास भी गए थे, दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के भी आवास गए थे और जहां पे उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया। और तस्वीरें मैं अभी अंदर की दिखा रहा हूं किस तरीके की तैयारियाँ हैं। अभी हम गेट के बाहर से अंदर की ओर बढ़े हैं और देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो पूरी जोरों शोरों से है और सारे काम लगभग पूरे हो चुके हैं, टेंट पंडाल लग चुका है और आज दोपहर 1 बजे उनकी श्रद्धांजलि सभा का समय रखा गया है और सभी नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लोजपा के तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। चिराग पासवान खुद सभी चीज़ों को बाकायदा ध्यान से देख रहे हैं और ये देख सकते हैं कि उनके जो आवास है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सब जो तैयारियाँ हैं वो लगभग कम्प्लीट हो चुका है और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। देख रहे हैं लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू हैं, बात करेंगे आज श्रद्धांजलि सभा है, बरसी है, कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से याद कर रहे हैं? भारत के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान बाबूजी की आज पहली बरसी समारोह है, इसमें देश ही नहीं दुनिया ही नहीं सभी जगह के लोगों को आमंत्रित किया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने सच्चे और सबसे प्यारे मित्र रामविलास पासवान बाबूजी के नाम से एक संदेश उन्होंने भेजा है, पूरे परिवार के नाम से उन्होंने आज संदेश भेजा है और इस आज के समारोह में लोग कितने आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे, प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे और कोई भी लोग ऐसा नहीं जो यहाँ से भूखे जाएगा। व्यवस्था लगातार हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी विगत 1 हफ्ता से समय मांगा जा रहा था लेकिन उन्होंने 2 मिनट का समय मुनासिब नहीं समझा। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है और ये किसके लिए है ये तो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बताएंगे। स्वयं हम कल मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, उनके गेट से हम लोगों को इनविटेशन नहीं लिया गया, हम लोगों को वहां से इनविटेशन को स्वीकार नहीं किया गया, हम लोगों को इनविटेशन के साथ लौटा दिया गया। सिक्योरिटी बॉय बोले कि हम लोगों को ऊपर से मना किया गया है कि ये कार्ड नहीं लेना है या जो भी कह लीजिए उसको, तो वो उस कार्ड का तौहीन की उन्होंने रामविलास पासवान साहब की अच्छी जो दोस्ती का मिसाल देते हैं उस दोस्ती को उन्होंने चंद मिनटों में भुला दिया। लेकिन इसके बाद भी आज हमको अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है कि 2 मिनट के लिए भी आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये पारिवारिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ना कतई उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। पशुपति पारस जी ने भी मूर्ति बनाने के लिए पत्र लिखा है, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि मूर्ति बनना चाहिए, क्या लगता है मूर्ति बनना चाहिए? नहीं बिल्कुल, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न ही मिलनी चाहिए। रामविलास पासवान जी की तस्वीर पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में लगाने की सबसे पहले हम लोगों ने बात की, मांग रखी थी प्रधानमंत्री से, हम लोगों ने आग्रह भी किया और प्रतिमा तो देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही क्यों, चूंकि वह जन जन के नेता थे। रामविलास पासवान दलितों, शोषितों, पिछड़ों के नेता थे, आवाज थे,
तो उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमा तो हर जगह लगनी चाहिए, बिहार में तो लगनी ही चाहिए। बिहार में उन्होंने हाजीपुर जोन देने का काम किया, हाजीपुर को उन्होंने जिस तरीके से चमकाने का क्या काम किया। दलितों शोषितों के अगर इस धरती पे कोई नेता अगर पैदा हुआ तो स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब हुए। तो ये थे कृष्ण कुमार कल्लू, और हम अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे उनका श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और उनकी तस्वीर रखी गई है। और देख सकते हैं जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज 12 तारीख है, आज ही की तारीख रखी गई थी कि आज चिराग पासवान खुद सभी जगह जाकर निमंत्रण दिए थे। और ये उनका घर है, देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जो कार्यकर्ता है वो लगातार तमाम बिहार के जिलों से पहुंच रहे हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देने, क्योंकि पहली बरसी मनाई जा रही है, चिराग पासवान खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम जो व्यवस्था है वो खुद देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं कि जो वॉलेंटियर्स हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, जो कार्यकर्ता हैं। और ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे उनकी तस्वीर रखी गई है, और यहीं पे तमाम जो नेता है, विधायक है, कार्यकर्ता है, वो आकर उस अर्पित करेंगे। कैमरामैन से बोलेंगे कि थोड़ी आगे जाएं और दिखाएं कि तो तस्वीर जो रखी गई है किस तरीके से वो तैयारियां हैं वो की गई है। आज 1 बजे उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, तमाम नेतागण मौजूद रहेंगे, सभी की मौजूदगी में ये सभा की जाएगी। चिराग पासवान खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और अभी जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है, और 1 बजे समय रखा गया है। और तमाम जो अपडेट्स हैं इससे जुड़ी, कौन मंत्री आ रहे हैं, कौन विधायक, सभी चीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।